तो देखिए बाल कितना अच्छा शाइनिंग कर रहा है और चमक रहा है। तो चलिए फुल हेयर की लेंथ दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये है फुल हेयर की लेंथ। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आए हैं, बालों को लंबा कैसे करें और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कम कैसे करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते तो हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे और 2 केला और हमें चाहिए इवियन टेबलेट। हम लेंगे 2 इवियन टेबलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, एक हम लिए हैं देसी अंडा और एक है हमारा फार्मी अंडा। हम 2 अंडे लिए हैं और हम इसमें ऐड करेंगे इबियान का कैप्सूल। और दोस्तों, ये हम केला को छील लिए हैं पीसेस में। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे इसको। अब हम पीस लेते हैं। अब हम इसमें दोनों इबियान के कैप्सूल मिला लेंगे। दोस्तों, इबियान के कैप्सूल से हमारा फेस ही नहीं, हमारे बाल भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग सिल्की हो जाते हैं। अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाता है। और इसमें विटामिन ई होता है, इसका नाम है इबियान, और जो कि मिलता है 400 mg। ये देखिए, इसकी जो ऑयली है वो बहुत ही थिक होता है। ये देखिए, जो उसका तेल है बहुत थिक होता है। इन दोनों को मिला लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे देखिए, हमारा बनाना पेस्ट बनके रेडी है। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, एक स्मूथ पेस्ट बनके रेडी होगा। तो अब देखिए, यह एक स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको अपने बालों पे अप्लाई करेंगे। और इसके बहुत ही फायदे हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो झड़ेंगे नहीं, और अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेद नहीं होंगे, क्योंकि इसमें एग पड़ा हुआ है और केले में पोटेशियम रहता है। तो हमारे बालों के पोटेशियम बहुत ही अच्छा है, और कैप्सूल इबियान में उसमें विटामिन ई होता है, तो भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अगर आपके 2 मुहे बाल हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, लगाने से पहले अपने बालों को अच्छे से धुल लेंगे, हेयर वॉश कर लेंगे, जो भी आप शैम्पू यूज करते हो, और उसके बाद बालों को कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद ही अप्लाई करिएगा। और याद रखिए, कॉम जो करिएगा अच्छे से करिएगा, कहीं पर आपके बालों के जो भी लटे वगैरह हैं फंसी ना हो। और आप हमारे हेयर की लेंथ देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लंबी है, तो उसी हिसाब से आप हेयर मार्क्स बनाइएगा। और तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने बालों को अच्छे से कॉम करके उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। तो ये यहाँ पर हम अपने हेयर को कॉम कर लिए हैं, और अब छोटे छोटे सेशन में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद अब हम हाथ से अप्लाई करेंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि अंडा और जो कि बनाना पड़ा हुआ है वो चिपक जाता है बालों में, तो अगर या फिर इसको आप अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से फेटेंगे, मिक्स करेंगे, तो वह चिपकेगा नहीं। ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, लगाने के बाद आप चाहो तो वह मोटर से धुल सकते हो या फिर नॉर्मल पानी से धुल सकते हो। और जो भी आप शैम्पू या फिर कंडीशनर यूज करते हो उससे अपने बालों को धुल लेना है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे बालों में अच्छे तरीके से लग गया है, और कितना
जैसे लग रहा हमने तेल लगा रखा है और बहुत ही अच्छे से लगा रखे हैं। और 2 से 2.5 घंटे के लिए इसको हम लगा करके छोड़ देंगे ताकि ये हमारे बालों के जड़ों तक अच्छे से ऑब्जर्व कर सके और उसके बाद हमारे बाल टूटना भी बंद हो जाएंगे, सिल्की भी बहुत अच्छा हो जाएंगे। और आप ऐसे गोल गोल कर सकते हैं अपने बालों में। उसके बाद हम वॉश करके आते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लिए हैं। वॉश करने के बाद ये हमारे बाल थोड़ा सा सूख भी गए हैं, थोड़ा अभी कम सूखा है लेकिन सूख गया है। तो आप देख सकते हो हेयर लेंथ भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। आप एक बार इसको ज़रूर अप्लाई करो, आपको रिजल्ट खुद देखने को मिलेगा। इसमें कोई फेक कोई चीज़ नहीं है, ये हम अपने बालों पे बहुत दिनों से यूज करते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव है दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।